माननीय सदस्य श्री अखिलेश यादव जी, सभापति महोदया, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बजट 2024-2025 में बोलने का मुझे मौका दिया है। इस सरकार का लगातार ये 11वां बजट है। 11वें बजट के बाद भी नाउम्मीदगी दिखाई दे रही है और सरकार में है तो सरकार के लोग तो अच्छी बात करेंगे ही, न केवल नाउम्मीदगी दिखाई दे रही है बल्कि जो चेहरों पे खुशी होनी चाहिए थी सरकार बनने के बाद, वो चेहरों पे उतनी खुशी नहीं दिखाई दी। ये 11वें बजट में बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, गांवों के लिए और उनकी तकलीफ परेशानी का जो मुद्दा है वो 9-2-11 दिखाई दे रहा है मुझे। महंगाई में घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना और घर के बड़े बुजुर्गों की दवा इलाज से लेकर के महंगाई का जो सामना करना पड़ रहा है, ये बातें परिवार वाले बखूबी जानते हैं। मैं जब सत्ता पक्ष के लोगों के जो आंकड़े देखता हूं, वो सुनता हूं, अगर इतना सब कुछ 10 साल में अच्छा हुआ है तो आप हंगर इंडेक्स में कहां खड़े हैं? अगर 10 साल बाद भी यही बात सत्ता पक्ष की तरफ से आएगी कि हम कहां खड़े हैं, आपने बड़ा सपना दिखाया मेक इन इंडिया, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट से सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं, हमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी मिले हमें। और अगर कोई सभापति महोदय कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो 10 साल में, कोई IIM मिला हो, कोई IIT मिली हो, और जो IIIT किसी समय पर उत्तर प्रदेश को मिली थी, क्या उसमें क्या सहयोग सरकार की तरफ से हुआ है? न केवल ये संस्थाएं बल्कि गवर्नमेंट जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेंट्रल की तरफ से कौन सी नई आ गई? मेडिकल के क्षेत्र में कोई बड़ा संस्था आई हो, जो 2 AIIMS आए हैं, मुझे याद है कि रेबड़ी का AIIMS भी समाजवादी सरकार में जमीन दी गई, उसके परिणाम है कि वह AIIMS बन गया। गोरखपुर में भी जो AIIMS आया, समाजवादी सरकार थी जमीन दी गई तब AIIMS आया। कोई और जो AIIMS आ भी गए हैं अगर वहां 2, क्या उनमें पर्याप्त इलाज मिल पा रहा है? केवल यही नहीं, मेक इन इंडिया सपना तो ये दिखाया गया था कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो नौकरियां मिल जाएंगी। कुछ हद तक तो बहुत सी चीजें प्राइवेटाइज हो गईं, लेकिन नौकरियां कम होती चली गईं। और जो सबसे बड़ा सवाल है, जो PDA परिवार के लोगों को जो हक और सम्मान मिलता है, क्या ये सरकार वो दे पा रही है? टैक्स कलेक्शन में सपना दिखा रहे हैं कि हम यहां पहुंच गए हैं, आखिरकार एक्सपोर्ट क्यों कम होता चला जा रहा है? और हम जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कैसे खत्म करेंगे? दस साल में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं और कोई ऐसा कुछ न
दिख रहा हो, और परिणाम जो रिजल्ट आए हैं यूपी के, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। सभापति महोदय, अगर ये सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आए होते? जहां हारे ही नहीं हैं आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं, देश के प्रधानमंत्री जी भी बोर्ड से हारे हैं, बोर्ड से हारे हैं। जो कभी 5 लाख तक जीतना था जिन्हें, या 10 का टारगेट बनाया था, कितने से जीते? तो कम से कम इन चीजों को तो देखें। मैं जब सुनता हूं सत्ता पक्ष लोगों को, तो मुझे वो लाइनें याद आ जाती हैं कि वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतवार न करता तो और क्या करता। मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जनकपुर में एक झंडा दिखाया था, और उस बस में 35 लोग बैठ करके अयोध्या आए थे। सभापति महोदय, उस समय भी मैंने मांग की थी कि जहां से जनकपुर से यात्रा शुरू हो रही है और अयोध्या तक बस से लोग आएंगे तो पता नहीं कितने घंटों में आएंगे। मैंने मांग की थी कि वहां से लेकर के अयोध्या तक एक्सप्रेसवे बनना चाहिए, कि कम से कम जो जनकपुर से आए और अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं और बस से आ रहे हैं, कम से कम उनकी तकलीफ परेशानी तो कम होती। जो आप कहते हैं कि एफडीआई बहुत आया है, मैं अभी सुन रहा था, कहा कि टेलीफोन बनने लगे, टेलीफोन बन नहीं रहे हैं, मोबाइल बन नहीं रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के समय पर नोएडा में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी थी, उसके तहत आई थी। वो इंडस्ट्री जितनी आई है उस समय उस पॉलिसी के तहत आई, और बन नहीं रहा है, मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है। लेकिन जमीन किसने दी है? जमीन किसने दी थी उन लोगों को? बिना जमीन पर हवा में बना दो तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा। उस पॉलिसी के तहत वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। आप कह रहे हैं कि एफडीआई लाए हैं हम लोग, एफडीआई, अगर पूरे देश का हम एफडीआई देखें तो उत्तर प्रदेश को कितना एफडीआई मिला है? सभापति महोदय, अगर 1% से ज्यादा भी एफडीआई उत्तर प्रदेश को मिला हो तो बताइएगा आप। जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ओवररन हो रही है, उसका जिम्मेदार सभापति महोदय कौन है? डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ में भी सरकार आपकी है, दिल्ली में भी सरकार आपकी है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। मैं तो अखबारों में पढ़ता था सभापति महोदय कि तोड़फोड़ करके ये सरकार बनाते हैं। अभी एक सदस्य पिछली बार वो तोड़ फोड़ कर करके शायरी भी बनाने लगे हैं। जो प्रोजेक्ट और जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज हरकुलिस विमान लेकर के आए थे और वो सड़क पर उतरे थे, वो एक्सप्रेस वे पर उतरे थे। मैं समझता हूं सभापति महोदय, यहां जितने माननीय सदस्य हैं सब ने देखा होगा और सब ने निर्देश के अनुसार उस पर ट्वीट भी किया होगा।
वो जो एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाया था सभापति महोदय, जो डिजाइन टेक्नोलॉजी का पार्ट अलाइनमेंट, वो समाजवादियों की देन थी, वो आपकी देन नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय, क्योंकि इस बजट में सरकार चलाने के लिए आपने पैकेज दिया है, हमें कोई नाराजगी नहीं है पैकेज देने की, आप पैकेज और दीजिए। लेकिन अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और मैं तो कहूंगा आपसे कि केवल अगर आप 25 किलोमीटर जोड़ देंगे जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे रुक गया था, केवल 25 किलोमीटर आप जोड़ देंगे तो दूसरे काम को अपना जो बनाते हैं आप ये कह पाएंगे कि दिल्ली से लेकर के आपने भागलपुर तक एक्सप्रेस वे दिया है। हाँ जी, वो अभी से नहीं, बहुत पहले से बन रहा है। बहुत पहले से बन रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या दिया आपने, मैं ये कहता हूं कि अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस वे दे रहे हैं केवल बिहार के लोगों को खुश करने के लिए, मैं उससे सहमत हूं कि आप बिहार की तरक्की के लिए एक्सप्रेस वे दें, लेकिन जो पखनपुरा जो आखिरी गांव है जहां पर छूट गया है वहां से आप क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और हमारे स्टेट के लिए आप कोई नया एक्सप्रेस वे क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमारे लिए क्यों नहीं दे रहे हैं एक नया एक्सप्रेस वे? आप दिल्ली के बजट से दे रहे हैं, आप यूपी अपने बजट से बना रहा है, आप बताइए कोई यूपी को आपने एक्सप्रेस वे दिया हो? कोई एक्सप्रेस वे नहीं दिया। और मैं तो कहूंगा और याद दिलाइएगा अपनी सरकार को, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना था, अभी बताएंगे आपको उसका भी। सभापति महोदय, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो दिल्ली के बजट का नहीं है। मैं मांग कर रहा हूं कि दिल्ली के बजट से कोई एक्सप्रेस वे मिलना चाहिए। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर करके वापस लौटे, अब रिपेयर का पैसा कौन देगा? वो आज भी रिपेयर मांग रहा है। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है कि नया एक्सप्रेस वे बना हो जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, वो आज रिपेयर मांग रहा हो? और वो एक्सप्रेस वे 6 लेन नहीं है, वो 4 लेन है। मैं इसमें भी सुझाव देना चाहता हूं, ये जो बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेस वे है ये अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा का बना है स्टेट गवर्नमेंट का, इसको मुनाफा नहीं हो रहा, टोल कलेक्शन नहीं है बहुत ज्यादा। इसको सतना से जोड़ दिया जाए और बुंदेलखंड जहां से शुरू हो रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट इटावा से कम उसको हरिद्वार तक ले जाना चाहिए। अगर हरिद्वार से लेकर के सतना लोग चले जाएंगे तो शायद बुंदेलखंड के लोगों को भी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात है सभापति महोदय, दिल्ली और लखनऊ मिलकर के उन एक्सप्रेस वे की सेफ्टी से और उसकी डिजाइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है, जो डॉक्यूमेंट कहता है, वो ये कहता है कि मीडियन सड़क का 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर होना चाहिए। आप जाकर के देख के आइए, जो पूर्वांचल वाला बना है उसका मीडियन कितना है? क्या भविष्य में आपने चलने वालों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है कि नहीं की है? ये आपको विचार करना पड़ेगा। जिस समय लद्दाख और चीन को लेकर के सवाल उठा था सभापति महोदय, उस समय पॉलिटिकल पार्टी से सुझाव मांगे गए थे और सुझाव ये मांगे गए थे कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो उस समय जो सुझाव समाजवादी पार्टी ने दिया था वो सुझाव ये था कि लिपू लेक से लेकर के आपके ग्वालियर तक 6 लेन हाईवे बनना चाहिए। कभी जरूरत पड़ने पर सीमाओं पर हमारी फौज का आना जाना जल्दी हो जाए। और मुझे याद है जो अखबारों में मैंने पढ़ा था, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया था कि 6 लेन हाईवे बनेगा वो, लेकिन जब टेंडर की बात आई तो सुनने में आया कि वो 4 लेन बनने जा रहा है। और अभी जब वो काम हो रहा है, जब काम मैंने दोबारा उसको देखा तो पता लगा कि डबल लेन पेव शोल्डर बन रहा है,
सोचिए कहां सिक्स लेन बनाने की बात थी, आप डबल लेन पेव शोल्डर बना रहे हैं, और पता नहीं कौन उस हाईवे को डिजाइन करवा, किसने किया है डिजाइन कि जितने भी कस्बे उसके आसपास पड़ रहे हैं, कस्बे वाले अब नाला कहां से बनाएं, घर ऊंचा करें कि सड़क को तोड़ें। बहुत सारे कस्बों को वो समस्या के संकट में डाल दिया है सरकार ने। जो सरकार मंचों से ये कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज तो 11 साल हो गए सरकार को, किसान की आय दोगुनी हो गई क्या सरकार बताए? और अभी मैं बहुत सारे माननीय सदस्यों को जब सुनता हूं तो वो कहते हैं कि हम MSP दे रहे हैं। अगर आप MSP दे रहे हैं तो उसकी कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आप कानूनी गारंटी दीजिए। और फिर कई बार सुनने को मिलता है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके MSP की कब तैयारी करेंगे आप? और फिर आय दोगुनी में आप कितना देंगे किसान को? जो पिछले बार बजट में कहा गया था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,00,000 करोड़ देश को मिलेगा, अगर 1,00,000 करोड़ देश को मिला होगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो कम से कम यूपी का शेयर कुछ तो रहा होगा। सभापति महोदय, सरकार ने अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बता दें। हाँ, यह अलग बात है कि अगर आप कोई चीज सुधारने के लिए कोई परिवर्तन कर रहे हैं, स्टोरेज के लिए किसी को पहले ही बता दे रहे हैं, वे बात अलग है, लेकिन किसान कहां जाएगा जहां उसको रेट मिलेगी? और फिर ये इस बजट में कहा जा रहा है कि हम 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज लाएंगे। तो सभापति महोदय, हम अपने माननीय मंत्री से कहेंगे कि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो आप काम पिछले कितने वर्षों से कर रहे हैं, क्या हुआ उस ग्लोबल वार्मिंग का? COP 21 में भी आप हो आए, G20 में भी आपने आश्वासन दिया और कुछ नहीं किया, तो आपको क्या लाना पड़ रहा है? 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज आप मुझे बताओ किसान पर कब तक पहुंचाओगे आप, और उसको पहुंचाने के लिए आपके पास क्या इंतजाम है? और फिर दूसरे पैराग्राफ में फिर बदल जाते हैं आप। अभी आप बात कर रहे हैं रेजिलिएंट वैरायटीज की, और फिर आप कह रहे हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। सभापति महोदय, इस सरकार बताए कि रेजिलिएंट क्रॉप सीड्स कब तक पहुंचा देंगे, उससे लाभ किसानों को कैसे मिलेगा, और फिर नेचुरल फार्मिंग जो अभी भी कर रहा है किसान कई जगह पर, उसके लिए क्या अलग से पैकेज है आपके पास बजट में? आपने तो केवल सभापति महोदय एक चीज सीखी है पार्ले जी बिस्किट से, महंगाई और मुनाफा। इस सरकार ने 10 साल में DAP की बोरी को और खाद की बोरी को छोटा कर दिया, इससे और ज्यादा छोटा मत करना आप। और आपने DAP, जब किसान DAP लेने गया तो सरकार ने कहा कि बिना नैनो यूरिया के आप नहीं मिलेगा आपको। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नैनो यूरिया से क्या लाभ पहुंचा है किसानों को, ये बताइए। नैनो यूरिया से क्या लाभ पहुंचा है सरकार बताए। हमारे यहां बड़े बड़े आयोजन हुए सभापति महोदय, इन्वेस्टमेंट मीट के बड़े बड़े आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के, और 5,00,000 करोड़ के MOU साइन हो गए, 5,00,000 करोड़ के। मैं सभापति महोदय, बजट हमारी क्या मदद कर रहा है उत्तर प्रदेश के उद्योग लाने के लिए? और ऐसे आयोजन हुए जिसमें देश के प्रधानमंत्री आए, देश के राष्ट्रपति आए, और देश के जितने बड़े उद्योगपति सब आए थे। लेकिन आज यूपी को क्या मिला वहां पर? किसानों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े बड़े MOU हुए, लेकिन आज जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे याद है समाजवादी सरकार में, क्योंकि देश का
सबसे ज्यादा उत्पादन दूध का अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उस समय की सरकार ने फैसला लिया कि अगर बाहर से भी कोई डेयरी या डेयरी प्लांट लगाना चाहेगा तो उसमें सरकार सहयोग करेगी। और परिणाम ये हुआ कि गुजरात की 3 अमूल प्लांट लग गई यूपी में। तो मैंने उद्घाटन किए, एक देरी से हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, लेकिन उसके बाद कोई नया प्लांट आया हो तो बता दें। जो अमूल से पुरानी संस्था है क्या उसका सहयोग कुछ करेंगे आप लोग? क्या आप पराग का सहयोग करेंगे कुछ? न केवल दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है, बल्कि चीनी में और गन्ने की पैदावार में भी कभी आगे कभी पीछे होता है। किसानों को भरोसा दिलाया गया था कि उनकी भी आय दोगुनी हो जाएगी, उनको भी बहुत सुविधाएं दी जाएंगी, बिजली फ्री दी जाएगी। सभापति महोदया उन्हें फ्री बिजली नहीं दी सका, ये आश्वासन था आपका। और आज अगर उत्तर प्रदेश पिछड़ इसलिए रहा है क्योंकि सबसे महंगी बिजली अगर कहीं कोई पा रहा है तो उत्तर प्रदेश पा रहा है। और मुझे याद है, क्योंकि बात ये मुझे इसलिए कहना चाहिए, बीजेपी के एक विधायक जो सबसे बुजुर्ग थे, वो देश के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली 24 घंटे आए, उसके लिए वो धरने पे बैठ गए थे। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि बुजुर्ग हैं, इनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, इनका धरना आप उठवा दीजिए। मैंने सभापति महोदय उनको बुलाया, मैंने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। उसी दिन मैंने फैसला ले लिया कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 24 घंटे रहेगी बिजली। और मैंने उससे मांग की सभापति महोदय कि उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री को बनाने में सबसे बड़ा सहयोग किया है, इसका कम से कम बिजली का कोटा तो बढ़ जाए यूपी का। वो 8 साल हो गए उत्तर प्रदेश ने देश के प्रधानमंत्री को तो दे दिया, लेकिन अभी तक बिजली का कोटा नहीं बढ़ा। हमें उम्मीद है 11 शुभ होता है, इस 11वें बजट में कुछ तो सुविधाएं ऐसी उत्तर प्रदेश को दी जाएंगी जिससे वहां के लोगों को लाभ पहुंचे, मदद पहुंचे। जहां किसान आत्महत्या कर रहा है, और पिछले 10 साल में सरकार जानती होगी कि कितने किसानों ने आत्महत्या की है, लाखों लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जहां किसान तकलीफ और परेशानी में है, वहीं सबसे ज्यादा अगर संकट किसी चीज पर आया तो वो नौकरी पर आया है, रोजगार पे आया है। जब सरकार का बजट मैं पढ़ता हूं तो जो स्कीम्स लाई जा रही हैं उसमें, क्या ये स्कीम नौजवान को पक्की नौकरी दिलाएगी? क्या इन स्कीम से 5,000 रुपए देकर के आप नौजवान का भविष्य बनाना चाहते हैं? आप क्या दे रहे हैं आप? और मुझे तो ये लगता है कि जो वर्क फोर्स आप बना रहे हैं ट्रेनिंग देकर के सरकार के पैसे से, अंतोगत्वा इनको भी एक्सप्लॉइट वही लोग करेंगे उद्योगपति। आखिरकार जब इतनी टेक्निकल, इतनी ट्रेंड फोर्स होगी तो आप ये मुझे बताइए कि उसके भविष्य क्या होगा? अगर इतने बड़े पैमाने पे आप ट्रेनिंग करा रहे हो, सरकार का बजट उसमें खर्च हो रहा है, तो सभापति महोदय उनका भविष्य क्या होगा? 5 साल के बाद। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है, सभापति महोदय कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय
बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। सभापति महोदया, सभापति महोदया, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं उस राज्य से, तो हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे, चार परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से दो कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं जी हां, जो लंबे समय से मांग थी वन रैंक वन पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदस्य साहब अपनी बात। सभापति महोदया, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये बात, ये जो बात ये आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%। सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, बैठी बैठी, सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुजाइए रुबाइए, सभापति महोदया, ये सभापति महोदया जी जी, एक मिनट से भी कम, मैं एक मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं, मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वाहें फैलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं, अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदय, आपका समय पूरा हो गया है, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूं, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप, अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए प्लीज, बजट पर चर्चा। सभापति जी, दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द, बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए, वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना, माने नहीं, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय, अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते, आप बजट पर पूरी अपनी बात रखिए। सभापति महोदय, अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते, आप अपनी जब भी सत्ता में आएंगे, साल दो साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। माननीय सदस्य, और देखिए आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है, जिस दिन साइकिल हट गई आप कहाँ बैठे मिलोगे। और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे।
माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं, कंप्लीट करिए सभापति महोदय। मैं एक दो तीन बातें कहता हूं यूपी को लेकर के, मैं मांग करता हूं कंप्लीट करिए आप। सभापति महोदया, छम्बल एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो 1,00,000 करोड़ का बना है वो दिल्ली मुंबई से है, और यूपी को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? गंगा को लेकर के सब चिंतित हैं, गंगा की सफाई अभी नहीं हुई है, जो बजट गया पता नहीं कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता, जैसे पानी बहा वैसे ही बजट भी चला गया। दूसरा, क्योंकि मंत्री जी बैठे हैं वो जानते होंगे मंत्री जी कि देश की सबसे अच्छी लाइन सफारी बनी है इटावा में, और उस लाइन सफारी को बनाने में हम लोगों को बहुत समय लगा, क्योंकि एक लाइन सफारी एनिमल सफारी अगर बननी हो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत जगह से परमिशंस लेनी पड़ती हैं, हम लोगों को परमिशंस नहीं मिली, और क्योंकि वो प्रोजेक्ट अच्छा है, एशियाटिक लाइन्स की ब्रीडिंग शुरू हो गई वहाँ पर, ये सरकार इसलिए नहीं शुरू करना चाहती है क्योंकि वो समाजवादियों ने बनाई है। पहली बार देश में एशियाटिक लाइन्स पैदा हो रहे हैं, नहीं नहीं वहाँ पर इटावा में पहली बार हो रहे हैं, और वो इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं, और वो शेर मैं बता दूँ आपको, शेर आया था कि कोई और आया था वो आप वो कहानी में नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर, फिर मैं बोल दूंगा तो फिर कहोगे कि क्या बोल दिया मैंने, इसलिए मत बुलवाइए तो ही अच्छा है। कि कुछ तो धन्यवाद माननीय बने रहे, धन्यवाद, कुछ मत बुलवाइए मुझसे। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइन सफारी एनिमल सफारी उस क्षेत्र की यूपी की प्राइड है, वो कि पहली बार ब्रीडिंग सेंटर एसेटेक वहां पर बन गया है। दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार मिलकर के उसको शुरू नहीं होने दे रही है, मुझे उम्मीद है कि उसको शुरू करवा देंगे आप। और आखिरी में मैं कहता हूं, चलते चलते आप दो लाइनें कहता हूं, बुनियाद को नकार कर जो इमारतें उठाएंगे, हम भी देखते हैं वो किस मंजिल तक जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत अखिलेश जी, कुछ ज्ञान माननीय विपक्ष के नेता को भी दे दीजिए, आपने अच्छा भाषण दिया, उनको भी सिखा दीजिए। हालांकि अयोध्या को मैंने कहा हम काम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन सभापति महोदया मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों का कौन टाउन प्लानर है, कौन आर्किटेक्ट है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब सरकार से चले जाएंगे तो विश्व की सबसे बढ़िया नगरी अगर कोई बन करके दिखाएंगे तो वो अयोध्या नगरी होगी। माननीय सदस्य क्यों को इससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं हो सकता।